फार्मा स्टेट द्वारा किए गए इस सर्वे में हमने यह जानने की कोशिश की है कि फार्मा प्रोफेशनल्स ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों को लेकर क्या राय रखते हैं। इस सर्वे में कुल रिस्पॉन्सेज आए 457, सारे पार्टिसिपेंट्स फार्मा प्रोफेशनल्स हैं। मोड ऑफ सर्वे है ऑनलाइन क्वेश्चनेयर और रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया गया है। रिस्पॉन्सेज में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो आइए जानते हैं सर्वे का रिजल्ट। पहला सवाल था, क्या आप सोचते हैं कि ब्रांडेड ड्रग्स जेनरिक ड्रग्स से ज़्यादा एफिकेशियस हैं? 62% लोगों ने कहा कि वे यह सोचते हैं कि ब्रांडेड ड्रग्स जेनरिक ड्रग्स से ज़्यादा एफिकेशियस होती हैं। दूसरा सवाल, क्या आप सोचते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में जेनरिक ड्रग्स एक बेहतर ऑप्शन है? लगभग 61% लोगों ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जेनरिक ड्रग्स को एक बेहतर ऑप्शन कहा है। तीसरा सवाल, क्या आप सोचते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं वो सस्ती तो बनाते हैं, पर क्या वह पेशेंट के लिए उन्हें सेफ होने का भी ध्यान देते हैं? लगभग 60% रिस्पॉन्सेस आए कि मैन्युफैक्चरर्स जो जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं वो उन ड्रग्स का पेशेंट के लिए सेफ होने पर भी ध्यान देते हैं। चौथा सवाल था, बल्क मैन्युफैक्चरिंग में टेंडर्स के लिए लोअर रेट्स कोट करने पे क्या जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी भी लो हो जाती है? लगभग 59% लोगों ने कहा कि लोअर रेट्स कोट करने पर जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी भी लो हो जाती है। और पांचवा सवाल था, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कौन सी दवाएं प्रेफर करेंगे, ब्रांडेड या फिर जेनरिक? लगभग 55% लोगों ने कहा कि वह ब्रांडेड ड्रग प्रेफर करेंगे। लगभग 18% लोगों का जवाब था वह जेनरिक ड्रग्स प्रेफर करेंगे और 27% रिस्पॉन्सेज का मानना था कि जो भी अवेलेबल रहेगा वह उसी के साथ जाएंगे। तो यह थे जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स के सर्वे के रिजल्ट्स। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग सर्वे आपके लिए लाते रहेंगे। टू गेट रेगुलर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू फार्मा स्टेट यूट्यूब चैनल एंड फॉलो द सोशल मीडिया पेजेस।